छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों और शहरों के बाद अब बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से भी आस्था ट्रेन के माध्यम से बस्तर वासियों को रामलला के दर्शन हेतु अयोध्या धाम ले जाया गया है। अयोध्या धाम में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में स्थापित प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने बस्तर अंचल से भी राम भक्तों का जत्था निकल पड़ा है। जगदलपुर स्टेशन से आस्था ट्रेन 1140 राम भक्तों को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है, जिसमें बस्तर जिला सहित बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर क्षेत्रों से भी राम भक्त शामिल हैं। पूरा बस्तर राममय है, रेलवे स्टेशन राममय है। 500 वर्षों की जो गुलामी भगवान राम ने झेली है बाहर ट्रेन में बैठकर, अब 500 वर्षों बाद उनको रामलला का मंदिर विराजमान हुआ रामलला जी, तो बस्तर जो कि वनवासी यहाँ के उनके नाम के आगे राम लिखा हुआ है, पूरा दंडकारण्य क्षेत्र में भगवान राम का लंबे समय तक विचरण हुआ है, सब पूरा बस्तर राममय है और बहुत हर्षोल्लास के साथ बहुत आराध्य देव को देखने के लिए, अपने आराध्य देव को देखने के लिए बस्तरवासी रवाना हुए हैं। 1140 यात्री आज रवाना हुए हैं और एक क्रम निरंतर चलता रहेगा। बस्तरवासियों के लिए बहुत ही उत्साह, आनंद और उमंग का अवसर है। बस्तरवासियों के 500 साल के संघर्ष के बाद जो अयोध्या की पावन धरा पर प्रभु श्री राम लला वहाँ विराजमान हुए हैं, उसका दिव्य दर्शन करने के लिए यहाँ से श्रद्धालु, जो हमारी सरकार की ये यात्रा योजना है इसका लाभ उठाते यहाँ से गए हैं। यहाँ बस्तरवासी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, बस्तर को यह सौगात मिली, दंडकारण्य क्षेत्र से रेल अयोध्या के लिए चला है, यहाँ से श्रद्धालु गए हुए हैं। हम सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। अभी कुल 1122 लोग यहाँ से अयोध्या गए हैं और जो बस्तर के रहने वाले नागरिक हैं उनको ये शुभ अवसर मिला है, बहुत ही आनंद का माहौल है और ये राममय पूरा वातावरण राममय हो गया है। और बस्तरवासी जो छत्तीसगढ़ जो कि ननिहाल राम भगवान का, वहाँ के लोग राम भगवान